बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को अपने चैनल अर्निंग एंड नॉलेज वर्ल्ड में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जी हां दोस्तों, एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा कि आपको कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फोटोशॉप या फोटो एडिटर के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कि आप लोग अगर फोटोशॉप आपको नहीं आता, आप किस तरह से सिंपल कोई टूल ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो और ऑनलाइन जो यूज़ करके आप जो अपनी मर्जी की जो थंबनेल बना सकते हो, या आपने अगर कोई इमेज है वो डाउनलोड की है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके या कटिंग वगैरह करके आप किस तरह उसको जो है सेट कर सकते हो अपने थंबनेल के साथ, या आप जो है फोटो को किस तरह एडिट कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि आपने जो इमेज आप कोई डाउनलोड करते हो तो उसका बैकग्राउंड भी या बॉर्डर भी साथ में आ रहा होता है, तो उस वीडियो को किस तरह आप सॉरी उस इमेज को आप कैसे जो है कट करके आप उसको खाली जो सा अलग कर सकते हो और अपने थंबनेल के पास थंबनेल पे लेके जा सकते हो। तो ये हम इस वीडियो में आज सीखेंगे कि फोटो शॉप या फोटो एडिटर जो सा है वो कौन सा ऑनलाइन है जिससे हम लोग इजीली जो सा ये काम कर सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, बट उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने कुछ जो सा इस वीडियो से गेन किया हो तो अपने कमेंट से ज़रूर आगा करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलते हैं अपनी जो सा वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक जो सा वेबसाइट है या एक ये सॉफ्टवेयर है और जो ऑनलाइन है जो फोटोशॉप की तरह काम करते हैं, और PHOTOPEA इस नाम से जो सा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये बिल्कुल एज इट इज काम करता है फोटोशॉप की तरह, ऑनलाइन है, आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है कोई भी सेटअप। मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह उससे काम करना है और इमेजेस को आप किस तरह उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा ये दोस्तों कि इसका जो सा टूल का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली क्लिक करके आप जो जा सकते हैं इस वीडियो इस टूल के ऊपर, इस डायरेक्टली आप जो से मूव कर जाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम से ज़्यादा किए बगैर हम लोग चलते हैं जो से अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो, जब आप इस वेबसाइट पे आप आओगे तो ये पहला जो सा ऑप्शन आ रहा है फोटो भी या ऑनलाइन फोटो एडिटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो सा इस तरह देख सकते हो, ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसका जो सा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेफिक्र हो जाए। उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फोटोशॉप की तरह ही हमसे पूछेगा कि आप किस टाइप की या किस साइज की इमेज बनाना चाहते हैं, मतलब वेट हाइट वगैरह आप लोग कितनी रखना चाहते हैं। तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे 512 कर लेता हूँ, आपका जो साइज है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैं 512 करता हूँ और यहाँ पे भी 512 कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपना साइज सेट करने या यहाँ पे जो सा आपको ये साइज इन्होंने दिए हमें प्रोवाइड किए हैं, आप उस हिसाब से भी साइज रख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से रखने 512 512, तो मैंने उस हिसाब से कर लिया। प्रोजेक्ट का अपने आप नेम दे सकते हो कोई भी, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू न्यू प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो सा एक एरिया एक्योपाई हो चुका है और एरिया जो सा कवर अप हो के व्हाइट स्क्रीन पे आ रहा है कि भाई ये एरिया आपने इसमें काम करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक इमेज उठाता हूँ, लेट्स सपोज सॉरी मैंने एक इमेज उठानी है, मैं यहीं से जो ब्राउज कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ से करें आप। मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ इस इमेज को, मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इस इमेज को मैंने यहाँ से कट करना है, ठीक है। मैंने इस इमेज को कट करना है यहाँ से, उसको जो सा इस फ्रेम में से बाहर निकालना है, ठीक है। मुझे खाली जो सी है इस इमेज, ये खाली इमेज मुझे चाहिए, जो मैन है जो बंदा है इसकी मुझे खाली जो सी है बॉडी के जो सा स्ट्रक्चर चाहिए। लाइट्स लेट्स सपोज ये जो बॉर्डर जो इसका बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको किस तरह जो सा कट करके इसको जो सा निकालूंगा बाहर और जो सा अपने थंबनेल लिए कहीं भी जो सा लेके जाना है वहाँ पे आप इजीली लेके जा सकते हो या आप इसको सेव कर सकते हो कहीं, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेजो सेलेक्ट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, एल पी लिखा हुआ है कि आप एल से भी वर्क कर सकते हो, तो आपने इस थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब आपने यहाँ से जो है इसको लेके चलना है इसके बॉडी के ऊपर से, जहाँ जहाँ आपने इसको कट करना है और जितने आपको चाहिए वो आप रख लें और बाकी जो है आप कट करते जाएं, ठीक है। अब मैंने क्लिक करके माउस के बटन को और मैं इसके ऊपर सारा मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ और फिर एक और ट्रिक से आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारा लेके जाऊंगा, यहाँ से सारा लेके जाके वहीं पे जो है दोबारा मैं जाके ज्वाइन करूंगा और यहाँ से जाके मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, ये मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, कंट्रोल एक्स कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा, सही है। इस तरह आप देख रहे हो कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि सही तरीके से काम नहीं हुआ, ठीक
ठीक है, कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई ऐसी तस्वीर है जिसको आप निकालना चाह रहे हैं या कट करना चाह रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन है, ये देखें, जूमिंग का, ये देखिए, ये लास्ट में जो है, सेकंड लास्ट, आई थिंक सेकंड थर्ड है, लास्ट से थर्ड वन है। तो ये आप जो है जूम लिखा हुआ, यहाँ पे आप जूम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गया प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो या माइनस पे क्लिक करो, माइनस से ये दूर हो जाएगा, प्लस पे आप क्लिक करोगे तो ये करीब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको दूर करता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं, यहाँ पे एग्जैक्ट पोजिशन, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से दोबारा इसको जो है कट कर नहीं करता हूँ, ताकि एग्जैक्ट कट हो। ठीक है, यहां तक मैंने किया, और इसको मैं दोबारा जो है यहां पे करके, और मैं करूंगा कंट्रोल एक्स करूंगा, तो ये चीज गायब हो जाएगी। ठीक है, आप नेक्स्ट वाले साइड पे मैं आता हूँ, यहां से मैं इसको कट करता हूँ, लेट्स सपोज इस तरह सेटिंग करनी है, तो मैं इसको भी यहां से कट करूंगा और कंट्रोल जेड करूंगा। ठीक है, माउस की मदद से मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसको मूव करता हूँ लेके लाइन को, और जो सा है इसको दोबारा जो सा उसी पॉइंट पे लाके ज्वाइन करता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ क्लिक को, और उसमें कंट्रोल CTRL कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रूव हो गई। ठीक है, अगर मैं अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखूँ, ये मैं जूम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो इसमें अगर मेरी कुछ कमी पेशी नज़र आ रही है कि यार थोड़ी बहुत अभी फ़र्क है, अभी सही तरीके से ये नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल से ये करूँगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, वो सही तरीके से नहीं होती, तो मैं अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। ये देखें, ये ऑप्शन दिख रहा है, BLUR ब्लर टूल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और साइड जो कॉर्नर जो उनसे थोड़े से इसके मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं इसके कॉर्नर जो है वो थोड़े ब्लर कर दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा दोस्तों कि ये थोड़ा सा जो इसकी जो शार्पनेस है, जो साइड्स की शार्पनेस है, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, इतना बुरा मतलब वो नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हो, ये ड्रॉप डाउन है, ये देख सकते हो ऑप्शन, यहाँ से आप जो ब्लर वाला जो है जो ऑप्शन है, या ब्लर के जो जो रेजर सी जो शो हो रही है, आप उसको जो से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये मैं इंक्रीज करता हूँ, ये इतना ब्लर बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा तो ये ब्लर छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन। ठीक है, जितना आपको साइज चाहिए, जितना आप इसलिए काम कर उस हिसाब से करें। ये मैंने ब्लर यहाँ से पकड़ा और क्लिक करता हुआ माउस को की मदद से मैं यहाँ पर इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और आप जो इस तरह इसको ब्लर कर सकते हो, जितना आपको ब्लर चाहिए वहाँ सब सेटिंग करके और ब्लर कर सकते हो। मुझे सिर्फ कॉर्नर ब्लर करने हैं ताकि जो ये बुरे ना लगे। ठीक है, तो मैं क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कर रखूंगा माउस पे, और उसको जो मूव करूंगा उसके ऊपर लेके। ठीक है, इससे ये होगा कि इसकी जो साइड्स की जो कॉर्नर की जो शार्पनेस है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, यानी वो बुरा नहीं लगेगा साइड से जो कॉर्नर है। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज करता हूँ, और PNG पे जाता हूँ। ठीक है, PNG पे मैं जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी ये जो स्क्रीन शो हो जाएगी, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज सेव पे क्लिक करता हूँ, और ये जैसे आप देख सकते हो ये मेरी चीज़ डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शो फोल्डर करता हूँ, तो ऐड करूँगा, और मैं दोबारा क्लिक करके देखूँगा कि आप कैसे आई हमारी इमेज। तो आप देख सकते हो आप कि ये इमेज से साइड का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, और बिल्कुल जो है इमेज आपकी निकल चुकी है, और आप इसको कहीं भी जो है अपना पेस्ट कर सकते हो। किसी के साथ आपने एडिट में लगाना है तो आप उसके साथ अपनी तस्वीर को लगा सकते हो, इमेज को, इस तरह आप जो है अपनी चीज़ को एडिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जो टूल मैंने यूज़ किया है इसमें फोटो एडिटिंग के लिए, तो वो भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।